चौकीदार दफादार संघ के सदस्यों ने धरना दिए। जेपी स्मारक के पास इस धरना में चौकीदार दफादार के सदस्यों ने कहा कि सरकार उनकी कई मांगों को अभी तक लंबित रखा है, जिसके चलते उन सभी परिवारों के समक्ष भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। चौकीदार दफादारों का कहना है कि उन्हें कई जो मांग है उसे यथाशीघ्र पूरा सरकार करे। इंकलाब जिंदाबाद, पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब देना होगा, देना होगा, देना होगा, इंकलाब देना होगा, देना होगा, देना होगा, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब पंचायत जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब देना होगा, देना होगा, देना होगा, इंकलाब देना होगा, धरना देने का उद्देश्य क्या आपका? धरना का उद्देश्य बिहार सरकार का जो आदेश है और जिला पदाधिकारी का जो आदेश, जिला प्रशासन के यहाँ जो आदेश सरकार का लागू नहीं हो रहा है, इसके क्या लागू नहीं हो रहा है? लागू होने का सवाल है कि एसीपी का लाभ जो मिलना चाहिए आज दो को मिलना चाहिए, आज 28 बरिस होने जा रहा है जबकि 10 बरिस 12 बरिस में मिलता है। 90 से आज तक का जोड़िएगा तो तीसरा नंबर अब पहुंचने वाला है एसीपी का लाभ के लिए। ताकि अभी तक दो अंचल का 28 बरस में दो अंचल का जो आज 10 बरस हो गया, जो आदेश सरकार का जो 8 में हम लोगों का चौकीदार को देने का एसपी के लाभ का था, अभी दो अंचल का दिया गया है, 10 अंचल बाकी है। इसके लिए मैंने हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसका गति तेज किया जाए कि एसपी का लाभ रिटायर के पहले मिल जाए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का जो स्वैच्छिक नामित का आश्रित का 20 मार्च 2018 को बैठक हो गया, अभी तक उन लोगों का योगदान पत्र निर्गत नहीं किया गया। इनका है कि योगदान पत्र निर्गत किया जाए। फिर है निलंबन का जो कार्रवाई चल रहा है, ये कई वर्षों से चल रहा है। जो सरकार के नियमानुसार निलंबन वो कर देते हैं कि बिना स्पष्टीकरण मांगे, आज जो निलंबन का जो सरकार का नियम है या विभागीय कार्रवाई समाप्त करने का नियम है उसका पालन बताया जाए। जिला मुख्यालय 25 दिवसीय धरना देने का मांग था, जेपीएस मैंने धरना देने जेपीएस मारक या धरना का कार्यक्रम हमारा नहीं था। हमारा कार्यक्रम था कि जो पिछले हम लोग धरना दे रहे थे तो एसडीओ द्वारा जो कहा गया कि समनाले में शांति भंग हो रहा है, कार्यालय में अब अशांति फैला रहे हैं, इसलिए आपका जो धरना का वहां स्थगित कराया गया था। उसके बाद हम लोग जो मांग पत्र दिए, इसके बाद आज हम लोग शांति मार्च निकालेंगे और जो जिला पदाधिकारी के यहाँ देंगे। शांति मार्च के द्वारा उनका शांति मत कार्यालय माने अशांति मत हो, इसके चलते आज शांति मार्च निकालेंगे। आज घोषणा करेंगे कि अगला महीना जो सितंबर का लास्ट में होगा, जो अनिश्चितकालीन धरना वहां जिला समाहरणालय के पास चलेगा। जो शांति मार्च से नहीं होगा उसके बाद फिर धरना, उसमें उनको आवेदन देने से कोई सवाल नहीं है। क्रांति रामानंद सिंह, चौकीदार दफादार पंचायत, जिला भोजपुर।